हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये दूसरा सेशन होगा, जिसके अंदर हम लेस टैक्स सिक्योरिटीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। एंड अगर ईयरली इंटरेस्ट अगर आपको नहीं मिलता है, यानी हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि अभी हम कह चुके हैं बच्चों, ये दो नोट याद रखनी है, लेस टैक्स सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। अगर आपको लेस टैक्स सिक्योरिटीज में अगर इंटरेस्ट दिया जाता है बच्चों, तभी हम ग्रॉसिंग अप करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लेस टैक्स बॉन्ड या सिक्योरिटीज लिखा हो, वर्ड इंटरेस्ट होना जरूरी है, तो उसको उसकी टीडीएस की जो रेट ऑफ टीडीएस है उसे कंक्लूड करके, वो इंक्लूड करके हम उसका ग्रॉसिंग अप करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। यानी सेकंड पॉइंट में उसी का ऑपोजिट पार्ट, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ लेस टैक्स सिक्योरिटीज इज गिवन एंड टीडीएस इज आल्सो गिवन, देन वी शुड नॉट फाइंड इट्स ग्रॉस इंटरेस्ट, यानी कि इग्नोर करना चाहिए हमें टीडीएस को। यानी अगर परसेंटेज दिया जाए फेस वैल्यू के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको खाली परसेंटेज के साथ फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, उसका परसेंटेज निकालो, इंटरेस्ट निकालो, वही सीधा उसका ग्रॉस इंटरेस्ट हो जाएगा। उस टाइम पे टीडीएस को इग्नोर करना नहीं है, ठीक है, उसको ध्यान में लेना नहीं है। तो अब देख लेते हैं सम नंबर 18, जिसमें हमें ऐसी ही एक डिटेल दी गई है, और इसके बाद भी एक सम होगा जिसमें लेस टैक्स सिक्योरिटी का पार्ट है। तो अब देख लेते हैं हम सम नंबर 18, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पूर्वी की डिटेल दी गई है और ऑलमोस्ट जो है वो ये नॉर्मल सम है। इसके बाद हम और थोड़ा तूफानी एग्जांपल देखेंगे, जिसमें यहाँ पे उन्होंने पहले टैक्स फ्री डिबेंचर्स दिया हुआ है, टीडीएस भी दिया है, यानी पहले जो है फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई 12% से करेंगे, इंटरेस्ट ढूंढेंगे, देन उसको ग्रॉस करेंगे, दूसरे में सीधा ही हमें उसका 8% निकालना है। देन उसके बाद तीसरी जो डिटेल है बच्चों, 9% लेस टैक्स बॉन्ड्स ऑफ पूंज लिमिटेड, जो मैंने अभी अभी आगे एक्सप्लेन किया कि जब भी लेस टैक्स सिक्योरिटीज के अंदर अगर हमें फेस वैल्यू दी जाती है तो टीडीएस को इग्नोर करना चाहिए, जो नोट नंबर 2 थी उसका यूज यहाँ पे हम करेंगे। यानी खाली यहाँ पे 50,000 का 9% लेना है, यानी 4,500 होगा, उसे हम ग्रॉस इंटरेस्ट ही लिखेंगे, यहाँ पे हम ग्रॉसिंग अप नहीं करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट लिख के दिया जाए तो ही ग्रॉसिंग अप करना होता है लेस टैक्स सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में। तो ये तीसरी डिटेल में हम सीधा खाली उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9% से और वही ग्रॉसिंग अप हो जाएगा सीधा, नो नीड टू ग्रॉस इट अप, इग्नोर टीडीएस। थर्ड में जो है एग्रीकल्चरल इनकम लैंड इन पंजाब यानी इंडिया है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड कह सकते हैं हम, टैक्स फ्री है इंडिया में। देन पांचवी डिटेल जो है वो टैक्सेबल होगी। सिक्स डिटेल में भी इनकम दी गई है एज अ डायरेक्टर, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। डिविडेंड इनकम इज ऑल्सो टैक्सेबल, 878 पॉइंट जो है वो टैक्सेबल गिनेंगे हम। नाइन नंबर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड 100% टैक्स फ्री है, होली टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में आता है। देन 10 नंबर में बच्चों ध्यान रखना है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, यानी 18,000 को सीधा ग्रॉस करेंगे, 18,000 का 10% मत निकालना, कभी कभी ये गलती हो जाती है, इंटरेस्ट मेंशन किया जाए तो उसका सीधा ग्रॉस करना चाहिए हमें। देन 11 नंबर रेंटेड टैक्सेबल होगा सीधा। 12 नंबर में रेंट 16,000 है, बट उसके लिए कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड की गई है, जैसे कि अगर आपको फ्लैट रेंट पे दिया जाए तो फ्लैट जो भी मालिक होता है, मकान मालिक, वो आपको फैन, ट्यूबलाइट एटसेट्रा एटसेट्रा अलग अलग चीजें देता है, एमिनिटीज प्रोवाइड करता है, तो उसके 3,000 इसमें से डिडक्टेबल होंगे, जिसे हम लास्ट में डिडक्ट करेंगे। लास्ट में बताया बैंक कमीशन पेड फॉर कलेक्शन डिविडेंड, कोई भी टाइप का बच्चों बैंक कमीशन या कलेक्शन चार्जेस जो है डिविडेंड इनकम से रिलेटेड, वो कभी भी अलाउएबल नहीं होते, तो खास ध्यान रखना है हमें। तो ये 700 और 200 रुपए जो है अलाउएबल नहीं है, खाली हम 3,000 रुपए स्पेसिफिक डिडक्शन में वो जो कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज है वो हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा ये सम। तो जैसे कि अभी हमने कहा था कि कैलकुलेशन हमें करनी है टैक्सेबल इनकम ऑफ पूर्वी, जिसमें पहली डिटेल जो है उसमें हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 1,12,500 रुपए है, उसका जो परसेंटेज है वो 12% निकालेंगे, और टीडीएस का रेट 10% भी दिया है, यानी हम उसको ग्रॉसिंग अप करेंगे। यानी 1,12,500 का 12% होता है 13,500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, यानी 90 होगा, जो कि हमें मिलेगा 15,000, ठीक है बच्चों। सेकेंड नंबर का पॉइंट है, जिसके अंदर हमें
ग्रॉस इंटरेस्ट ढूंढना है, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, खाली परसेंटेज निकालना है, इसमें इंटरेस्ट लिखो, ग्रॉस इंटरेस्ट लिखो, टीडीएस मेंशन नहीं है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सो दैट विल बी 16,000। थर्ड डिटेल है बच्चों, इसमें खास ध्यान रखना है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो है पहला अभी मैंने नोट करवाया वही पॉइंट आ रहा है, लेस टैक्स बॉन्ड्स दिए गए हैं, तो 50,000 का सीधा 9% लेना है, एज फेस वैल्यू 50,000 इज गिवन, बट टीडीएस को जो है वो हम 100% इग्नोर करेंगे, यानी ये अमाउंट होगी 4500, ये नया पॉइंट आया इस सम का, बाकी सब पॉइंट्स नॉर्मल है। फोर्थ नंबर की डिटेल में हमें दिया गया है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम पंजाब, पंजाब इंडिया में, इसलिए वो जो अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम, बाकी इंडिया के बाहर की कोई भी इनकम हो तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल, तो वो अमाउंट जो है चाइना की 4,50,000 दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट। उसके बाद छठी डिटेल जो हमें बताई गई है बच्चों, डायरेक्टर फीस रिसीव, तो वो दो इनकम डायरेक्टली हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, तो वो 20,000 टैक्सेबल होंगे। देन पॉइंट नंबर 7 में हमें दिया गया है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम शेयर्स ऑफ कंपनीज इन यूके, चाहे इंडिया की कंपनी हो या बाहर की कंपनी हो, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, तो वो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, डिविडेंड मिलता है 80,000, दैट इज टैक्सेबल। देन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज ऑल्सो टैक्सेबल, सो शेयर्स ऑफ ध्रुव लिमिटेड है वो भी टैक्सेबल होगा, जो कि 2,000 है, बाकी नॉर्मल डिटेल दी गई है। उसके बाद 9 नंबर में इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, होली टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में इंक्लूड होता है ये हिस्सा, तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, होली टैक्स फ्री सिक्योरिटीज है। देन 10 नंबर में हमें वहां पे दिया गया है ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन 10% टैक्स फ्री डिबेंचर्स, यानी ग्रॉसिंग अप करना है हमें, तो नर्मदा लिमिटेड दिया गया है, तो 18,000 का सीधा, ध्यान रखना 10% 18,000 का नहीं निकालना है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी मेंशनड, इंटरेस्ट इज मेंशनड, तो 18,000 का ग्रॉस करेंगे तो 20,000 मिलेगा बच्चों। 11th डिटेल जो है बच्चों, रेंट दिया गया है, कोई भी टाइप का रेंट हो वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो वो जो है 18,000 वो टैक्सेबल होगा। देन आखिरी डिटेल जो दी गई है हमें यहाँ पे, वो भी रेंट दिया गया है, ठीक है, पहले में ओपन प्लॉट का रेंट था, अब दूसरे में हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है, ठीक है, सबलेट, तो वो भी टैक्सेबल होगा 16,000। कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज प्रोवाइडेड दिया है, उसे हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट हम उसे लास्ट में ग्रॉस के बाद, ग्रॉस टोटल इनकम ढूंढ लेंगे, उसके बाद लेस करेंगे एज स्पेसिफिक डिडक्शन, इट इज अलाउड एज स्पेसिफिक डिडक्शन। टोटल हमें मिल रहा है बच्चों 6,41,500, जिसमें से हम वही एमिनिटीज जो प्रोवाइड की है टेनेंट को वो माइनस करेंगे, और वो अमाउंट है 3,000, तो फाइनली जो आंसर है वो हमें मिलेगा बच्चों, दैट विल बी 6,38,500। तो ये हुआ हमारा एक प्यारा सा सम, इसके अंदर हमें खास ध्यान रखना है बच्चों, एक पॉइंट जो हमारे लिए यहाँ पे नया आया है वो है लेस टैक्स बॉन्ड वाला पार्ट, मगर यहाँ पे अमाउंट दी है, फेस वैल्यू 50,000 दी थी, रेट ऑफ टीडीएस को इसलिए हमने किया हुआ है यहाँ पे इग्नोर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, दो सॉलिड एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर आ रहे हैं 14 एंड 15, वन बाय वन। तो अब देख लेते हैं सम नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, मोस्ट टाइम भी एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर है हमारा ये, इसके अंदर हमें नया पार्ट ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा बच्चों, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे पहले तो अब जो क्वेश्चंस है उसमें आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट लास्ट में, इंटरेस्ट ऑन ऑल अबव सिक्योरिटीज वॉज पेड ऑन 30th June and 31st December, ज्यादातर एग्जाम्पल्स के अंदर ये अगर ना दिया जाए तो ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा ऐसा ही मानना है, बट इस टाइप के सम के अंदर खास ध्यान रखना है कि अगर कोई भी सिक्योरिटी 30 जून के बाद बेची जाए तो आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, या 30 जून के पहले बेच देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर हम परचेस करते हैं 30 जून के बाद में तो भी हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कुछ चीजें है वो ऑब्जर्व करने का मौका हमें समझ में मिलने वाला है। तो पहली डिटेल है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोन दी गई है, 12% है 60,000 का, अगर ईयरली रहता है तो 12% ऑफ 60,000 7,200 मिलेगा। दूसरा दिया गया है 22,500 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ नयन लिमिटेड टीडीएस 10% है। यहाँ पे बच्चों इसी के साथ दिया गया है ऑन 31st July, यानी 30 जून के बाद, यहाँ पे 30 जून की डेट है और 31st जुलाई को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ 40,000 लोन जो है वो बेच दी गई है, यानी 60 में से 40,000 की सिक्योरिटी बेच दी गई है। पहले 6 महीने तक 60,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी के 6 महीने में 60 माइनस 40 यानी 20,000 का इंटरेस्ट जो है
वो हम इंक्लूड करेंगे। तो ये कैसे किया जाता है वो ध्यान रखना है खास तो हमें। एंड उसके बाद उसी डेट पे परचेस किए गए हैं 10% टैक्स पे डिबेंचर ऑफ नयन लिमिटेड, यानी वही नयन लिमिटेड है जो सेकंड डिटेल में है, उसका टीडीएस का रेट हम 10% इंक्लूड करेंगे। और उसके लिए उन्होंने लोन ली हुई है 40,000 की, तो ये जो भी लोन है उसका इंटरेस्ट जो है वो स्पेसिफिक डिडक्शन में अलाउड होगा, वो लास्ट में देखेंगे। फिर तीसरी डिटेल में दिया है इंटरेस्ट है तो उसको ग्रॉस करेंगे। चौथी डिटेल में कोई भी लेस टैक्स सिक्योरिटी नहीं मेंशन की है, ध्यान रखना यहाँ पे चौथे में टैक्स फ्री है तो 10% निकालो देन ग्रॉस करना है। फिर लॉटरी वाला पार्ट है उसे भी ग्रॉस करेंगे। सिक्स्थ डिटेल अगेन बच्चों सेम टू सेम अभी लास्ट एग्जांपल के जैसी है, लेस टैक्स डिबेंचर्स दिए गए हैं 10% ऑफ 64,000 सीधा निकालेंगे। टीडीएस जो है उसे हमें इग्नोर करना है यहाँ पे क्योंकि फेस वैल्यू के साथ दिया हुआ है, जब भी फेस वैल्यू के साथ दिया जाए लेस टैक्स सिक्योरिटीज तो उसे हम ग्रॉसिंग अप करते नहीं है, यानी कि सिंपली 10% ऑफ 64,000 करेंगे, वो इंटरेस्ट ही ग्रॉस इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। फिर सेवेंथ डिटेल जो है वो टैक्सेबल होगी, एट्थ डिटेल विल बी ऑल्सो टैक्सेबल, नाइन्थ में 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, यानी ये जो है 100% एग्जेम्प्टेड है, इसे हम जेम्स बॉन्ड भी कहते हैं 7% की वजह से हमारे वर्ड्स में, तो इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, होली टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में ये रहेगा। खाली एक जो है बच्चों यहाँ पे लोन ली थी वही होगा हमारा स्पेसिफिक डिडक्शन। तो देख लेते हैं अब इसका सॉल्यूशन, समझा तो दिया है मैंने पूरा क्वेश्चन, तो बच्चों देख लेते हैं आंसर ऑफ द सम नंबर 14। क्वेश्चन के अंदर रॉबर्ट जी की डिटेल में जैसे पहले में बताया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोन जो कि 31 जुलाई को बेच दी गई है 40,000 की, यानी पहले 6 महीने के लिए बच्चों हमारे पास पूरा जो है वो 60,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 60,000 का इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ एट द रेट ऑफ 12%, यानी 7,200 होगा, मगर 6 महीने के लिए यानी 6/12 करना पड़ेगा 3,600। बाकी के 6 महीने में 60,000 माइनस 40,000 यानी बच्चों बचेगा 20,000, ठीक है, तो 20,000 जो है उसका हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी दैट विल बी 2,400 डिवाइडेड बाय 2, यानी वो होगा 1,200, मिला के अल्टीमेटली हमें मिलेगा 4,800 इंटरेस्ट ऑन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोन, ठीक है। तो याद रखना है 31 जुलाई को बेचा था तो पहले 6 महीने में हाफ अमाउंट, पहले जो महीने में 6 महीने में इंटरेस्ट का हाफ मिलेगा, बाकी में रिमेनिंग अमाउंट का इंटरेस्ट जो है वो हमें इंक्लूड करना है, ये खास ध्यान रखेंगे। फिर दूसरे डिटेल में भी नयन लिमिटेड 2 बार आएगा क्योंकि उसी दिन उन्होंने परचेस किया था, पहला तो रेगुलर जो दिया गया है उसे हम ग्रॉस करेंगे, यानी ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ नयन लिमिटेड, तो उसमें हम जो है डिटेल है उसी तरह से काम करेंगे, पहले जो है 10% ऑफ 22,500 यानी 2,250 उसको ग्रॉस करेंगे तो 2,500 होगा। फिर जो 31 जुलाई को परचेस किया है वो 45,000 है, उसमें भी टीडीएस ध्यान रखना है बच्चों 10% इंक्लूड करना है क्योंकि वही सेम नयन लिमिटेड है, तो 10% ऑफ 45,000 यानी 4,500 का ग्रॉस करेंगे, मगर 6 महीने का ही इंटरेस्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है तो खास ध्यान रखना है, तो उस वजह से ये 2,500 होगा, मिला के टोटल दोनों का इंटरेस्ट हमें 5,000 मिलेगा, ठीक है। तीसरी डिटेल में आगे बढ़ते हैं बच्चों, जिसके अंदर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है लिस्टेड डिबेंचर का, तो उसमें सिंपली 2,700 को ग्रॉस करेंगे तो वो हमें 3,000 मिल जाएगा। पहली दो डिटेल ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, उसके बाद का काम तो एकदम नॉर्मल ही है। अब चौथी डिटेल में हमें ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% टैक्स फ्री डिबेंचर है, तो उसमें भी अशोक लिमिटेड है तो 10% ऑफ 1,35,000 करना है, दैट इज 13,500 ग्रॉस करेंगे तो मिलेगा हमें 15,000, ठीक है। उसके बाद पांचवी डिटेल है बच्चों ध्यान रखना है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है तो अगर आपको ग्रॉस वर्ड लिख के दिया हो तो कुछ ग्रॉसिंग अप नहीं करना है, बट यहाँ पे हमें ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा, 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस 30 यानी 70 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें मिलेगा 2,25,000, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है, अब छठी डिटेल है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेस टैक्स सिक्योरिटीज दी गई है, अगेन सेम है 10% ऑफ खाली 64,000 करना है और इग्नोर करेंगे हम टीडीएस को, यानी सीधा 6,400 करेंगे हम टीडीएस, यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, ग्रॉसिंग अप नहीं करेंगे, ठीक है, लिखेंगे जरूर ग्रॉस इंटरेस्ट बट नो ग्रॉसिंग अप इज रिक्वायर्ड। उसके बाद सेवेंथ डिटेल है बच्चों वो देख लेते हैं, जिसके अंदर हमें अनएक्सप्लेन्ड कोई भी कैश या इनकम दी जाए तो इट इज 100% टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है।
एट नंबर का पॉइंट है बच्चों, उसके अंदर हमें दिया इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ दिस इनकम, ठीक है। देन नाइन्थ डिटेल है, उसमें हमें दिया हुआ है उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड यानी कि होली टैक्स फ्री सिक्योरिटी का पार्ट रहता है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल। और अब इस सभी का हम कर लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, तो वो ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो होगी हमारी 4,43,026 रुपीज। अब स्पेसिफिकली यहाँ पे डिडक्शन में वही जो एक लोन ली गई थी हमें बताया था सेकेंड पॉइंट में नयन लिमिटेड में, वो लोन का इंटरेस्ट जो है दैट विल बी अलाउड ए स्पेसिफिक डिडक्शन, सो दैट इज इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज नयन लिमिटेड, ठीक है। और वो लोन है बच्चों, ध्यान रखना है, उन्होंने 31 जुलाई को लोन ली थी, 40,000 का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी 12% ऑफ 40,000 4,800 होगा, मगर जुलाई एंडिंग यानी 31 जुलाई है यानी इंटरेस्ट पे करना शुरू किया होगा उन्होंने अगस्त से, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे आप गिनते हो तो टोटल 8 महीने यानी मार्च महीने तक का इंटरेस्ट पे करना है उन्हें, पे किया होगा आई मीन, तो वो स्पेसिफिक डिडक्शन में मिलेगा और वो अमाउंट होगा 3,200, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमें टैक्सेबल अमाउंट जो है बच्चों वो टैक्सेबल इनकम मिलेगी 4,39,826। तो यहाँ पे ये हमने इंटरेस्ट का हाफ ईयरली वाला पार्ट भी इंक्लूड किया है और लोन वाला पार्ट भी है, लेस टैक्स वाला भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसा ही एक और सम देख लेते हैं जिसके अंदर भी ऐसी कुछ डिटेल दी गई है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट सम। तो बच्चों अब देख लेते हैं एक और सॉलिड एग्जाम्पल जो कि हमारे पास है मनमोहन जी वाला, इसके अंदर भी लास्ट सम के जैसी ही डिटेल दी गई है, बट यहाँ पे पैराग्राफ बच्चों लास्ट में दिया है जो अभी लास्ट एग्जाम्पल में इन बिटवीन दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पहली डिटेल महाराष्ट्र गवर्नमेंट लोन है, दूसरी गुजरात गवर्नमेंट लोन, तीसरे टैक्स फ्री डिबेंचर है ग्रॉस करेंगे, चौथी डिटेल बच्चों अगेन लेस टैक्स डिबेंचर्स है फेस वैल्यू के साथ परसेंट दिए यानी 50,000 का 12% ही निकालेंगे, टीडीएस जो है उसे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर पांच नंबर में लेस टैक्स डिबेंचर्स है बट इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट दिया जाए तो ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा, यानी जो पॉइंट हमने आगे समझाया था कि ग्रॉसिंग अप कब करना चाहिए, तो व्हेन इंटरेस्ट ऑफ लेस टैक्स सिक्योरिटीज इज गिवन देन वी ग्रॉस इट अप। ऊपर वाले चार नंबर में सीधा परसेंट निकाल के आपको काम करना है, इसमें 30-50 है उसको ग्रॉस करेंगे, छठा नॉर्मल है इंटरेस्ट तो उसे भी ग्रॉसिंग अप तो करेंगे ही करेंगे, फिर सात नंबर में ग्रॉस विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल दिया है मगर लॉटरी का नेट दिया इसे ग्रॉस करेंगे, ठीक है। एट नंबर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड यानी कि ये होली टैक्स फ्री सिक्योरिटी है, नाइन नंबर जो है उसमें हम डिविडेंड इनकम लिखेंगे 9% ऑफ 10,000 दैट विल बी अमाउंट ऑफ मल्होत्रा लिमिटेड, टेंथ डिटेल है रेंट इंक्लूड करेंगे सब टेनेंट का, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ऑल सिक्योरिटीज वाज ड्यू ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है ये हाफ ईयरली वाला जैसे भी आगे हमने किया था वैसा ही काम है, और यहाँ पे परचेज जो किया है ऑन 1st जुलाई यानी 30 जून के बाद 1 जुलाई को महाराष्ट्र गवर्नमेंट लोन ऑफ 50,000 वाज सोल्ड, ओरिजिनल लोन थी 80,000, इंटरेस्ट सिक्योरिटी 80,000 में से 50,000 यानी बचेगी 30,000 की, पहले 6 महीने के लिए 80,000 का इंटरेस्ट गिनेंगे हम हाफ ईयरली, बाकी के 6 महीने के लिए बचा हुआ अमाउंट 30,000 का हाफ ईयरली इंटरेस्ट गिनेंगे, एंड वो सोल्ड किया उन्होंने 51,000 में, एंड उसी दिन बिहार गवर्नमेंट लोन ऑफ 53,000 वाज बॉट, यानी 1 जुलाई से 6 महीने का बिहार गवर्नमेंट का इंटरेस्ट यानी 53,000 का 15% 6 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे, एंड यहाँ पे बोला गया रिक्वायर्ड बैलेंस यानी 51,000 में वो सिक्योरिटी बेची, 53,000 में बिहार गवर्नमेंट लोन परचेज की, यानी नीडेड जो 2,000 रुपए बाकी के थे उन्होंने वो 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ्रेंड के पास से बोरो किए, ठीक है। तो ये जो है बच्चों ये हम बाद में लेस करेंगे स्पेसिफिक डिडक्शन, ठीक है। फिर 1st अगस्त 2020 को 9% गुजरात गवर्नमेंट लोन ऑफ 20,000 वाज सोल्ड, ओरिजिनल में सेकंड डिटेल में 20,000 ही है, पूरा बेच दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट ही मिलेगा। लास्ट पैराग्राफ में बच्चों ये डेट मेंशन करना है, खास है आपको ये ऑब्जर्व करना है, 1st जनवरी दिया गया है बच्चों, पहला इंटरेस्ट 30 जून को मिलता है, दूसरा हाफ ईयरली इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिलता है, उसके बाद का कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे परचेस किया हो सेल किया हो वो किसी के काम का नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है अगर हम किसी को बेच रहे हैं सिक्योरिटी तो हमें ईयरली इंटरेस्ट मिल चुका है, उन्हें नहीं मिलेगा, अगर उन्होंने हमें सिक्योरिटी बेची है तो वो इंटरेस्ट ईयरली उनको मिल चुका है हमें नहीं मिलेगा, यानी लास्ट जो दो ट्रांजेक्शन होंगे
हिमसन प्राइवेट लिमिटेड एंड रिलायंस पावर प्राइवेट लिमिटेड, उसका कोई भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा नहीं या सामने वाले पर्सन को नहीं मिलेगा, यानी लास्ट जो पैराग्राफ है वो हमारे कोई काम का नहीं है। एक्सपेंसेस दिए 155, वो भी हम लेस करेंगे लास्ट में। तो देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सम में मनमोहन जी की पहली डिटेल जो है उसमें बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन महाराष्ट्र गवर्नमेंट लोन, जैसे कि हमने अभी अभी कहा था कि उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट लोन ऑफ 50,000 जो है उसे सोल्ड किया था ऑन 1 जुलाई, तो 80,000 का टोटल इंटरेस्ट जो है पहले 6 महीने के लिए वो 12% के हिसाब से 9600 मिलेगा और हाफ ईयरली 4800 होगा। बाकी के 6 महीने के लिए 30,000 का इंटरेस्ट 3600 होगा, जिसका हाफ अमाउंट यानी कि 1800 होगा, और वो 1800 अमाउंट जो है वो ऐड करेंगे तो मिला के जो है टोटल 4800 प्लस 1800 यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट लोन का इंटरेस्ट होगा 6600। एंड उसी वक्त उन्होंने परचेस किया था बिहार गवर्नमेंट लोन, तो उसको हमें इंक्लूड इसी के साथ करना पड़ेगा। तो 53,000 जो है उसका 15% निकालेंगे 7950, और वो 1 जुलाई को खरीदा है यानी उसका भी 6 महीने का इंटरेस्ट ही मिलेगा, तो वो अमाउंट होगा 3975। तो ये पहली डिटेल में ही मर्ज किया गया है, उसे अलग से नंबर हम नहीं दे रहे हैं। सेकेंड नंबर है बच्चों, उसके अंदर हमें बताया गया है इंटरेस्ट ऑन गुजरात गवर्नमेंट लोन, जो कि उन्होंने 1 अगस्त को पूरी बेच दी थी 20,000 की, यानी उसका इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने का खाली 900 रुपये मिलेगा, ठीक है। देन थर्ड डिटेल जो है बच्चों, उसमें 15% टैक्स फ्री डिबेंचर्स है, उसकी जो है हिमसन प्राइवेट लिमिटेड उसको ग्रॉस अप करेंगे और वो अमाउंट हमें 45,000 का 15% 6750 मिलेगा, उसको ग्रॉस करेंगे तो वो होगा 7500, ठीक है। चौथी डिटेल है बच्चों, जिसमें हमें ग्रॉस इंटरेस्ट मिला है ऑन लेस टैक्स डिबेंचर्स। जैसे हमने कहा था कि अगर आपको TDS वैल्यू दी जाती है फेस वैल्यू के साथ तो हम ग्रॉसिंग अप नहीं करते हैं, इग्नोर द वैल्यू ऑफ TDS, यानी ये 6000 सीधा लिखना है। मगर जैसे कि नेक्स्ट डिटेल में इंटरेस्ट मेंशन किया था उन्होंने लेस टैक्स डिबेंचर्स का सी का, तो फिर उसे तो ग्रॉसिंग अप करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो भी डिटेल हमें ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे। देन उसके बाद छठा पॉइंट है बच्चों, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सीधा हमें टैक्स फ्री डिबेंचर्स दिए गए थे तो उसका तो ग्रॉस करते ही है, तो वो अमाउंट हमें मिलेगी 5000 रुपीज। बाकी डिटेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा और पांचवा पॉइंट ध्यान रखना है, फेस वैल्यू दी जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो ग्रॉसिंग अप की जरूरत नहीं रहती है, जबकि लेस टैक्स डिबेंचर में या कोई भी डिबेंचर्स का कोई भी सिक्योरिटी का इंटरेस्ट दिया जाए तो वी ऑलवेज डू इट्स ग्रॉस इंटरेस्ट। सेवेंथ डिटेल में हमें बताया गया है बच्चों, दो चीजें मर्ज करेंगे, ग्रॉस मीनिंग फ्रॉम ग्रॉस वर्ड पजल, ग्रॉस अमाउंट है जो कि दी गई है हमें 5000, और उसके बाद नेट लॉटरी अमाउंट है उसे ग्रॉस करेंगे तो वो जो अमाउंट है 35,000 को ग्रॉस करेंगे तो वो मिलेगा 50,000। आप ये दोनों मर्ज करके 55,000 भी लिख सकते हैं या ऐसे अलग अलग लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। एट्थ डिटेल है बच्चों, जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट दिया गया है ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, दैट इज होली टैक्स फ्री सिक्योरिटी 100% एग्जेम्प्टेड, और उसके बाद की डिटेल नॉर्मल है बच्चों। नाइन नंबर है डिविडेंड इनकम जो कि हमें मिली हुई है, 9% निकालना होता है 10,000 का यानी 900 रुपीज। देन टेंथ डिटेल है रेंट टाइप, कोई भी टाइप का दिया जाए, सब टेनेंट हो या ओपन लैंड हो तो उसका इंटरेस्ट वो भी जो भी रेंट है वो भी टैक्सेबल होगा 38,770। देन ग्रॉस अमाउंट जो है बच्चों इसकी होती है हमारे पास रेडी है 1,26,145 1,26,145। दो चीजें यहाँ पे स्पेसिफिक डिडक्शन में रहेगी, एक तो जो है बच्चों लोन जो ली गई थी खाली 2000 जो अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट 53-52,1000 वाला, वो 2000 का इंटरेस्ट है वो जो है जुलाई से लेके मार्च तक का 6% ऑफ 2000 यानी 120 होगा, 9 महीने का होगा जैसे हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था, तो वो 9 महीने का इंटरेस्ट जो है वो स्पेसिफिक डिडक्शन में हम अलाउ करेंगे खास, ठीक है 90 रुपीज होगा। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कलेक्शन चार्जेस है, ओवरऑल इंटरेस्ट अमाउंट क्या है तो 155 रुपीज दैट इज ऑल्सो अलाउड, तो टोटल मिला के ये 245 रुपीज जो है ये जो 155 और 90 वो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा टैक्सेबल इनकम मिलेगी 1,25,900 रुपीज। तो बच्चों ये 14 नंबर 15 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे हमारे। अब एक यूनिवर्सिटी 2018 का सम लेंगे और हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट पता चल गए।
लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा गया था, श्री मासूक भाई की डिटेल दी गई है। इसमें वैसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं, एकदम सिंपल सा प्यारा सा सम उन्होंने हमें दिया था। तो पहले में 12% डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड है 3 लाख का, सिंपल निकालेंगे परसेंटेज। एग्रीकल्चरल लैंड कर्नाटका यानी इंडिया की है तो टैक्स फ्री होगी। देन रेम्यूनरेशन टैक्सेबल होगा। फैमिली पेंशन वाला पॉइंट जो आगे भी हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, 1/3 निकालना है और 15,000 दोनों में जो भी विचेवर इज लेस इज डिडक्टेबल, ऐसा करके हम कैलकुलेट करते हैं। देन पांचवी डिटेल है कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एग्जेम्प्टेड इनकम में है। उसके बाद जो पार्ट रहता है हमारा, तो मासूक भाई की डिटेल में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसमें हमने ऑब्जर्व किया था अभी कि पहले में खाली हमें उसका ग्रॉस इंटरेस्ट मिल जाएगा सीधा, हमें इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डिबेंचर ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड 12% ऑफ 3 लाख करना है, यानी 36,000 होगा बच्चों। सेकेंड डिटेल जो है उसके अंदर हमें एग्रीकल्चरल इनकम दी गई है और वो कर्नाटका में है, यानी एग्जेम्प्टेड होगा। थर्ड डिटेल है बच्चों जो कि अभी हमने कहा था, रेम्यूनरेशन कोई भी टाइप का हो दैट इज टैक्सेबल और वो है 3,000 रुपीज। चौथी डिटेल में हमें फैमिली पेंशन का पार्ट दिया है, यानी 1/3 ऑफ 90,000 करेंगे दैट विल बी 30,000 और 15,000 विच एवर इज लेस, यानी 90,000 माइनस 15,000 करेंगे तो 75,000 विल बी टैक्सेबल अमाउंट। ये पॉइंट खास ध्यान रखना है बच्चों, आगे भी हम देख चुके हैं लास्ट सेशन में। फिर इंटरेस्ट ऑन 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होली टैक्स फ्री सिक्योरिटी में आता है तो टैक्सेबल नहीं होगा। सिक्स नंबर का पॉइंट जो है, जैसे कि हम आगे समझा चुके हैं, ग्रॉस इंटरेस्ट जो है ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा 7.5 डिबेंचर्स ऑफ राजा लिमिटेड के अंदर, तो 8,000 को ग्रॉस करेंगे तो वो हमें सिंपली मिल जाएगा 8889। यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करते हैं, जनरली इंटीग्रल वैल्यू वैसा इंटरेस्ट सेट किया जाता है बट यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। एंड उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। बच्चों जैसे हमने कहा था कि 7,000 तक का अकाउंट जो है वो एग्जेम्प्टेड होता है, तो इसमें भी ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगी 6,000 इसलिए। देन डिविडेंड इनकम जो है वो हमें मिली हुई है 15,000, वो जो है वो ऐड करेंगे टैक्सेबल में। देन उसके बाद जो है ग्रॉस इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, ग्रॉसिंग अप करेंगे 49,000 का तो वो हमें पूरा मिल जाएगा 70,000, ठीक है। उसके बाद आखिरी डिटेल है अनएक्सप्लेन्ड इनकम, वो भी टैक्सेबल होती है, अनएक्सप्लेन्ड कैश 1,20,000, तो ग्रॉस टोटल इनकम होगा 3,27,889। स्पेसिफिक डिडक्शन में बच्चों पहला जो है वो हम यहाँ पे हम देखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन इंटरेस्ट पेड ऑन डिविडेंड इनकम, जो कि हमने बोला था 20% ऑफ 15,000 यानी 3,000 होगा। एंड लास्ट में कलेक्शन चार्जेस है वो कि 325 है, वो माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिलेगी टैक्सेबल इनकम एंड दैट विल बी 3,24,564। तो बच्चों ये बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स हमने समझा है, इसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए, रेडी करिए चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है, अच्छे से तैयार करिए। ऑल द बेस्ट, जय माता जी एंड थैंक यू। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस।